आपने एक बड़ी बात कही अपने स्पीच में कि आपका खून और चिराग का खून अलग है, क्यों कहा आपने ये बात? मैंने नहीं कहा, जिसने कहा आप उससे जाके पूछो कि मैं क्या गलत कहा हूं, उनसे आप जाके पूछो। उस सभा उस जगह पर उनकी माँ बैठी हुई थी, हमारा बेटा प्रिंस राज बैठे हुए थे, हमारा बेटा छोटा बेटा यशराज मुस्कान बैठा हुआ था और हाजीपुर के दर्जनों लोग थे, सभी लोगों के सामने में उसने कहा कि मैं नीतीश कुमार को मारना चाहता हूँ राजनीतिक रूप से, और आप नीतीश कुमार की बड़ाई करते हो, मैं आपको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दूंगा। मैंने कहा कि देखो, मैं किसी के बल पर राजनीति में नहीं हूं और मैं दिल्ली जाना भी नहीं चाहता था, और यदि तुम यही चाहते हो क्योंकि तुम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो मैं अभी इस्तीफा कर मेरी पार्टी की सदस्यता से और लोकसभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा करता हूं। उसी वक्त उसने कहा कि आप ये बकवास बंद करिए, आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। मैंने कहा ये बात यदि स्वयं किसी के पास मोबाइल होगा तो जरूर चेक क्या होगा। मैंने कहा कि देखो, ये बात तुम बोल रहे हो, कहा मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा आज के बाद से मैं न तो तुम्हारा चाचा हूं और न तुम मेरा भतीजा हो। नेवर 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 नेवर। दल टूटता है तो दल टूट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। मैंने अभी एक रहमन कवि की कहानी कहा कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। मैंने अभी कहा है अपने भाषण में, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान है। बीजेपी का प्रयास है कि वोट का बंटवारा नहीं हो। मैंने बीजेपी के तमाम लोगों से मैंने कहा कि आप चिराग पासवान जी को एनडीए गठबंधन में ले लो, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा दिल टूट चुका, दिल नहीं जुट सकता। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, बीजेपी के हमारे दो बड़े नेता बैठे हुए हैं, संजय पासवान जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, ललन पासवान जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं बिहार से, इन लोगों के सामने मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान जी को बीजेपी के लोगों ने एनडीए गठबंधन में मिला लिया है, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने दल में नहीं मिलाऊंगा, दिल में नहीं मिलाऊंगा। आज बुक का देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।